पार्टी की आइडियोलॉजी उनकी निजी आइडियोलॉजी। जिस भी पार्टी का भड़काने वाला हो उसके भड़काने से कोई भड़कने वाला नहीं है, वो मुसलमानों की आइडियोलॉजी नहीं हो सकती, पूरे मुसलमान को सुन सकती। हिंदुस्तान का देश का मुसलमान हमेशा भाईचारा में रहा है और रहा है वैसे, जैसे लोगों को बोलने के और भड़काने से वो भड़काने में नहीं आएंगे। आरएसएस देश के लिए काम करता है और ना कि मुसलमान और हिंदू के लिए। मुसलमानों के हित में काम करें, अच्छा काम करें, वो उससे रहनुमा बनेंगे। अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को देश की अस्मिता से खतरा बताते हुए कहा है कि बीजेपी और आरएसएस ने मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। सवाल इस बात का है कि उनके इस बयान का क्या मकसद। सबसे पहले हमारे साथ कुछ बनारस के मुस्लिम समुदाय के भी लोग जुड़े हैं, हम उनसे पहले बात करें। उससे पहले हम ओवैसी का वो बयान वो सुनाना चाहते हैं जो उन्होंने कहा है। देखिए उनका ये बयान है, देखिए। सरफराज भाई ये बताइए कि ओवैसी आखिर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वाकई आपको लगता है कि बीजेपी और आरएसएस की नीतियां और जो लोग हैं उनके जुड़े हुए क्या मुस्लिम समुदाय के खिलाफ उन्होंने ऐलान जंग कर दिया है? देखिए किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी उनकी निजी आइडियोलॉजी, उनकी एक बड़ी पार्टी है जिसके वो सदर हैं, वो अपनी विचारधारा या अपने नज़रिए से किसी अपने चश्मे से कोई बात देख रहे हैं तो वो मुसलमानों की आइडियोलॉजी नहीं हो सकती, पूरे मुसलमान तो सुन सकती। और बनारस के मुसलमान इसका खंडन करते हैं। और जहाँ तक रही आरएसएस की बात, आरएसएस भी जो है एक राष्ट्रवाद की बात करती, राष्ट्रवाद पे चलती है। अभी हमारे जो है संघ के सरसंचालक साहब ने भी कहा कि जो शिवलिंग वाली बात निकली थी तो हर मंदिर मस्जिदों में शिवलिंग ना तलाशें, तो उन्होंने अपने अपना पक्ष स्पष्ट किया था। तो कहने का मकसद है इसी तरह ओवैसी साहब को भी अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए कि देश के साथ है, राष्ट्रहित में कि राष्ट्रहित के खिलाफ है, ये हम चाहते हैं। और चाहे पीवीएफआई जैसे संस्थाओं पर भी बैन लगाया गया है, हमने भी कहा कि अगर उसके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। जैसे हम ये जानना चाहते हैं क्या ओवैसी जैसे जो नेता हैं वो लगातार इस तरीके के भड़काऊ बयान क्यों देते रहते हैं और उनके पीछे का मकसद क्या है? हम तो कहा भी वे अपने पॉलिटिकल पार्टी की सदर हैं और उनका अपना चश्मा है। हर आदमी अपने पॉलिटिकल आदमी अपनी पार्टी के चश्मे से देखता है, अपने नज़रिए अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक, वो उनकी आइडियोलॉजी है, उनकी पार्टी का नज़रिया, ना कि पूरी कौम का नज़रिया है। मुसलमान यहाँ पर हिंदुस्तान में अपने सुकून के साथ है, तालीम मेजर कर रहा है, तरक्की की काम कर रहा है और जो सरकार ने नई नई योजनाएं उसमें भी जुड़ा हुआ है और निरंतर हम बहुत हमारे साथ अशरफ बाबा भी हैं। क्या ओवैसी मुसलमानों के ठेकेदार हो गए हैं क्या, जो लगातार वो बीजेपी आरएसएस को लेकर ये कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस ने मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है? पहली चीज़ तो हम ये बताना चाहूँगा कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ गंगा जमनी की तहजीब है, हिंदू भाई मुस्लिम भाई एक रहेंगे और आने वाले वक्त में भी रहेंगे। और इसको जो भी कोई हो, जिस भी पार्टी का भड़काने वाला हो उसके भड़काने से कोई भड़कने वाला नहीं है। रही बात असदुद्दीन ओवैसी की, असदुद्दीन ओवैसी एक राजनीतिक दल के पार्टी के नेता हैं और उनको ये शब्द नहीं कहना चाहिए जिससे देश के गरिमा खराब हो, देश के मुसलमानों के अंदर कुछ गलत फहमियाँ हो। और यहाँ हिंदुस्तान का देश का मुसलमान हमेशा भाईचारा में रहा है और रहा है वैसी, जैसे लोगों को बोलने के और भड़काने से वो भड़काने में नहीं आएंगे। रही बात हमारे आरएसएस को, मैं मुस्लिम राष्ट्रीय संघ से भी मैं भी जुड़ा हूँ और मुझे नहीं लगता कि आरएसएस से देश को खतरा या मुसलमान को खतरा है। आरएसएस देश के लिए काम करता है और ना कि मुसलमान और हिंदू के लिए। और आरएसएस हमेशा मुसलमानों की भलाई के लिए, अभी मोहन भागवत जी गए थे दिल्ली के शाही इमाम से मिले थे और उन्होंने कहा है कि जो मुझसे हो सकेगा वो मैं करूँगा मुसलमानों के लिए। हमारे माननीय इंदेश कुमार जी हैं, आए दिन मदरसों में प्रोग्राम करते हैं, उनके साथ हिंदुस्तान में
45 लाख मुसलमान, बड़े बड़े आलिम, मौलवी, कारी, हाफिज सभी जुड़े। आप कह रहे हैं कि आरएसएस के साथ मुस्लिम जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन ओवैसी ये कह रहे हैं कि भाई आरएसएस और बीजेपी ने तो बाकायदे ऐलान जंग कर दिया, चाहे हलाला की बात हो, हिजाब की बात हो या फिर मदरसों की बात हो, लगातार टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को, उनका ये आरोप है। देखिए मैं अभी फिल्म में यही बात मैं कहना चाहूँगा कि ये शब्द का प्रयोग उनको देश में मुसलमान और हिंदू भाई फिर एकता में रहे हैं और रहेंगे, और उनको ये शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और जो संविधान का दायरा है वो संविधान में बोलना चाहिए, और उनके बहकावे क्योंकि वो एक राजनीतिक दल के जुड़े हुए हैं, और वो उनको ये शब्द को प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ और भी लोग जुड़े हैं, ये बताइए कि क्या लगता है कि वाकई बीजेपी और आरएसएस से मुसलमानों को खतरा है क्या? ये तो आप उन्हीं जान सकते हैं, अब उनको जिला के कौन बता सकता है। वो वैसे क्यों बार बार इस तरीके की बातें कर रहे हैं? वो अपने हिसाब से ठीक ही बोलते होंगे, अपने हिसाब से ठीक बोलते होंगे। आपको भी लगता है कि हलाला हो, हिजाब हो या फिर जो दूसरी चीज़ें हैं मदरसों के नाम पर आरएसएस और बीजेपी मुसलमानों का कुछ शोषण कर रही है क्या? ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मतलब पूरी तरीके से ये सिर्फ राजनीति हो रही है, बस बस और कुछ बात नहीं है। इसके पीछे की मंशा क्या लगती है? इसके पीछे यही है, आपस में लोग लड़ जाएँ और क्या होगा, हिंदू मुसलमान यही होगा और क्या होगा, पार्टी लोग अपने मजे लेते हैं, ये चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान लड़े और इनकी राजनीति चमकती रहे, बस बस और कोई नहीं, और तो सब लोग खा कमा रहे हैं, यही बहुत है। सबसे ये भाई ये बताइए कि हिजाब को लेकर कहा जा रहा है, हलाला को लेकर कहा जा रहा है, मदरसों को लेकर कहा जा रहा है, ये कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और इसके पीछे बीजेपी और आरएसएस है। देखिए ये बात तो सही है कि चारों तरफ ये अफवाह है कि हलाला है और दीगर जो हिजाब है, गोश्त है खाने के लिए समा, पर चारों तरफ जो है ये अफवाह फैली हुई है, मगर ये कहीं से ये स्पष्ट नहीं कि सरकार इसमें मुलव्विस है। सरकार तो इसमें कभी सरकार ने अपना कोई इसमें दृष्टिकोण व्यक्त नहीं किया, और आरोप कैसे आप स्पष्ट लगा सकते हैं है? और सरकार से हम लोग तो सरकार से मदद मांगते हैं, और अपने उलमाओं से भी कहते हैं इस पर सरकार से ओपिनियन ले और सरकार से मदद मांगे, सरकार इसका रास्ता खुद तो जाएगी, क्योंकि जब मुस्लिम बहनें गई थी हलाला के लिए उन्होंने किया गुहार लगाई तब कानून बना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुधार की ज़रूरत है, कौम के अंदर सुधार की ज़रूरत है। जब कोई चीज़ बुनियादी चीज़ें बदलती हैं और हालात बदलते हैं तो उलमाए दीन की जिम्मेदारी बन जाती है कि हालात के मुताबिक फतवे दें और कौम को दिशा निर्देश करें कि क्या चीज़ है जो समाज को नुकसान, क्योंकि लेकिन सवाल ये है कि क्या जो ओवैसी जैसे जो लोग हैं क्या मुसलमानों की तरक्की में एक तरीके से वो अवरोध पैदा कर रहे हैं क्या? नहीं, अब देखिए ओवैसी साहब की अपना नज़रिया, हम ओवैसी साहब एक बैरिस्टर साहब हैं और कानून के अच्छे जानकार हैं, वो क्या सोच के कह रहे हैं, उनकी पार्टी को उससे क्या फ़ायदा पहुंचेगा, अभी उन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव भी लड़ा है, उस पर हम कोई उस पर रोशनी नहीं डाल, हमारा ये कहना है कि वो सोच उनकी हो सकती है ना कि मुस्लिम हिंदुस्तान के मुसलमानों की हो सकती है। ये बताइए कि ओवैसी जैसे लोगों को किस तरीके से आप जवाब देंगे? देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी वाकई ठीक है वो बैरिस्टर हैं और राजनीति के अच्छे बड़े नेता हैं, उनकी अपनी की खुद की पार्टी है, और हम तो यही कहेंगे जो भी राजनीति के लोग बोलते हैं अपना काम निकालने के लिए, मुस्लिम वोट जमा करने के लिए, मुस्लिम रहनुमा बनने के लिए, मगर इस तरीके से बोल के नहीं, मुसलमानों के हित में काम करें, अच्छा काम करें, वो उससे रहनुमा बनेंगे ना, बल्कि कि ये टोपी। क्या लगता है कि वो मुसलमानों को डराने का काम कर रहे हैं क्या? और ये क्या डरा के वोट लेना चाहते हैं? जो काम अभी तक हम देख रहे थे कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी जिसके ऊपर आरोप लगता है कुछ उसी वही काम अब क्या ओवैसी साहब कर रहे हैं क्या? उनकी बातों तो समझ में तो यही आ रहा है कि वो भड़काने का ही काम कर रहे हैं, मगर उनके भड़काने से हमारे ये देश के हिंदुस्तान के मुसलमान बहकावे में नहीं आ सकते हैं। अभी हम इसके पहले भी बोलेंगे जो यहाँ की तहजीब है, जो मिसाल है, आज लल्लापुरा के देख लीजिए, यहाँ नकटैया होता है, पूरे मुस्लिम बाहुल इलाका है, दोनों धर्म के लोग आज रहेंगे और एकता बनी रहेगी, कभी कोई कह दे कि यहाँ कोई चीज़ का बवाल हो, मंदिर के लेके हो या मस्जिद के लेके हो, अभी नकटैया गुजरेगी और तमाम जो है मस्जिदों से होते हुए जाएगी और सभी धर्म के लोग यहाँ हिंदू और मुसलमान भाई खड़े रहेंगे और एकता कायम कहेंगे, तो उनके कहने से वो कहते हैं कहने से नहीं होगा, लेकिन ओवैसी जैसे लोग जो फिलहाल की जो उनकी जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को डराकर वोट बैंक हासिल करने की है।
देखिए ये तो हर कोई कुछ ना कुछ करता रहा है हर जमाने में, जो है कि मुसलमानों को वोट लोगों को चाहिए सत्ता तक पहुंचने के लिए, और उसके बाद सत्ता पहुंचने के बाद मुसलमानों को लोग भूल जाते हैं। हिंदुस्तान में जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों ने कितना, यहाँ के मदरसों ने कितनी तयन किया, कम से कम 34 फतवे मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ दिया, और रस्मी आंदोलन तहरीक और खिलाफत आंदोलन, न जाने कितने उलमाओं को फांसी दी गई पकड़ के ले आकर के आज मदरसों की के खिलाफ माहौल मनाया जा रहा है। तो हमारे कहने का मकसद है कि आज माहौल में हम लोग, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि कुरान और कंप्यूटर हम देंगे, तो हम चाहते हैं कहीं कमी है, कहीं कुछ खालीपन है, कहीं दूरी है, उसको ख़त्म करके राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़कर और अपने नए जवान नौजवान बच्चों को एक नई मैसेज दिया जाए, नई तरक्याती तालीम उनको मुहैया कराई जाए, ताकि वो अपना हक जाने और तब हक मांगेंगे ना, और ये बहुत ज़रूरी है विकास के लिए।